हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम अगेन इन वेरी यूजफुल वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फाइलम सीलेंटेटा एंड टीनोफोरा। तो इससे पहले हमने आपको पॉरीफेरा के बारे में करवा दिया था, तो ये नॉन कोडेट्स का नेक्स्ट फाइलम है, आज हम इसको करेंगे। आज हम दो फाइलम इकट्ठे करेंगे क्योंकि ये दोनों आपस से इंटरलेटेड हैं और टीनोफोरा एक छोटा सा फाइलम है, साथ में आज इसको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंक्लूड द हाइड्रोइड्स, इसमें जो हाइड्रोइड्स आते हैं, जेलीफिश आते हैं, सी एनिमोन एंड कोरल रीफ, ये सॉलिटरी और कॉलोनियल भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीलेंटेट पढ़ रहे हैं और इसकी बॉडी फॉर्म की बात करें तो ये दो तरह के इंडिविजुअल होते हैं जिसको हम जुआइड भी कहते हैं, पॉलिप और मेडूसा। जो पॉलिप होता है सिलेंड्रिकल होता है, फिक्स होता है और सॉलिटरी और कॉलोनियल भी हो सकता है। और जो आपका मेडूसा है ये अम्ब्रेला लाइक होता है और हमेशा सॉलिटरी होता है और फ्री स्विमिंग होता है, ये स्विम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म है, ये पॉलीमॉर्फिज्म है, एक से ज़्यादा इसमें फॉर्म मिलती है, पॉलिप चेंज होकर मेडूसा बना देता है, मेडूसा पॉलिप बना देता है, इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और ये मेटाजेनेसिस कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी ए सेक्सुअल से सेक्सुअल, वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव, इसमें स्टेजेस आती रहती हैं, ठीक है। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, इसको मेटाजेनेसिस कहते हैं। और ये अपनी मर्जी से डिले कर लेता है कितनी देर तक इसने ए सेक्सुअल फेज में रहना, कितनी देर के बाद इसने रिप्रोडक्शन करनी है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स रिक्वायरमेंट और द इन्वायरमेंट कंडीशन। तो ये डिले कर सकता है अपनी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को, इसलिए इसको मेटाजेनेसिस कहते हैं। सिमेट्री इसकी रेडियल बेसिकली होती है और जो एंथोजोआ है उसकी बाई रेडियल होती है। जर्म लेयर इसमें दो हैं, एक्टो एंड एंडोडर्म, और ये डिप्लोब्लास्टिक हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बात करेंगे तो इसमें टिश्यू लेवल बना हुआ है, जो पॉरीफेरा है उसमें सेलुलर लेवल था, इसमें पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल इकट्ठा काम करेंगे, हेड इसमें नहीं है, अपेंडिजेस के टेंटेकल्स हैं। बॉडी वॉल, बॉडी वॉल इसकी दो लेयर में डिवाइडेड है, एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। स्टिंगिंग सेल इसमें होते हैं जिसको क्नीडोसाइट, क्नीडोब्लास्ट कहते हैं या इसको नेमेटोब्लास्ट कहते हैं। और इंटरस्टिशियल सेल होते हैं जो फूड का डाइजेशन करते हैं और इसको स्टोर भी करते हैं। एपिथेलियो मस्कुलर सेल, यानी मस्कुलर लेयर इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप होती है, इसका यूनिक फीचर है, इसको मस्कुलेचर कहते हैं, ठीक है। इसमें हार्ड लेयर बन जाती है, इसमें एक प्रोमिनेंट लेयर बन जाती है एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस में, जिसको मीजोगिला कहते हैं। और इसमें कोई सेल नहीं होता है, एक पूरी कवरिंग, मस्कुलर कवरिंग होती है। जैसे आपने पॉरीफेरा में पढ़ा उसमें कई तरह के सेल होते हैं, ट्रोफोसाइट, थीसोसाइट, आर्कियोसाइट, बट ये एक सॉलिड लेयर है, इसमें कोई सेल नहीं होंगे, आगे आपको दिखा दूंगा। स्टिंगिंग सेल ये होते हैं थ्रेड लाइक, इससे ट्यूब निकलती है और प्रे के अराउंड कॉइल कर जाती है। और इसमें क्नीडोब्लास्ट होते हैं जो टॉक्सिन सीक्रेट करते हैं, और ये समुंदर में गोताखोर स्विमर होते हैं, बेसिकली अगर वो अनप्रोटेक्टेड जाएंगे तो उनको ये स्टिंग कर सकते हैं, ये पैरालाइज कर देता है, इससे उनकी डेथ हो सकती है, काफ़ी ख़तरनाक पॉइजन होता है। और जो हाइड्रा है इसमें बात की हुई है, तो और बेसिकली तीन तरह के इनमें नेमेटोसिस्ट होते हैं, यानी जो स्टिंगिंग सेल तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट इज़ द पेनीट्रेंट बॉल्वलेंट, थर्ड इज द ग्लूटिनेंट्स। पेनीट्रेंट में है, ये इंजेक्ट कर देंगे, सरिंज की तरह काम कर देंगे, सीधा प्रे के अंदर अपना इंजेक्ट कर देंगे टॉक्सिन। बॉल्वेंट कॉइल करेंगे, उसको कॉइल करके कैप्चर करेंगे, उसको जो है डिफेंसलेस कर देंगे। और ग्लूटिनेंट्स जो हैं ये अटैच हो जाते हैं विक्टिम के साथ, चिपक जाते हैं। क्नीडे टर्म यहाँ क्नीडोब्लास्ट लिया हुआ है, जिसका मीनिंग इस फाइलम से ही क्लियर है, क्नीडे नेटल और स्टिंग कहते हैं, स्टिंग को क्नीडे कहते हैं। इसमें स्टिंगिंग सेल होते हैं इसलिए इसका अल्टरनेटिव नाम क्या है, क्नीडेरिया, सीलेंटेटा को हम क्नीडेरिया इस वजह से कहते हैं ड्यू टू द स्टिंगिंग सेल। इसमें कोई बॉडी कैविटी सिलोम नहीं है। स्केलेटन इसमें हॉर्नी कैलकेरियस होता है और इसमें एक्सो एंड एंडोस्केलेटन दोनों होते हैं। डिगेस्टिव सिस्टम इसमें इनकम्प्लीट है, सिंगल एक ओपनिंग होती है और इसमें जो ओपनिंग है उसको सीलेंट्रॉन कहते हैं, इस वजह से इसका अल्टरनेटिव नाम सीलेंटेटा भी है। मॉथ, डिगेस्टिव ट्रैक, स्टिंगिंग सेल, ये सारे डिजेशन में काम करते हैं और इससे क्नीडेरिया जो है फूड को खा सकते हैं और अपने से ज़्यादा बड़ा प्रे भी खा सकते हैं, ये स्पॉन्जिस से ज़्यादा बड़ा शिकार कर सकते हैं। डिजेशन इसकी पार्शली इंटरसेलर है, यानी सिलेंट्रॉन जिसकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है उसमें भी डिजेशन होती है और सेल के अंदर भी होती है, इसको कहते हैं इंट्रासेलर।
फूड वैक्यूल अंदर भी डाइजेशन होती है। गैस्ट्रोडर्मल सेल होते हैं, इसमें फूड वैक्यूल होता है और सेल के अंदर जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है इंटर कर जाता है फॉर द फुल डाइजेशन। रेस्पिरेशन इसकी बॉडी सरफेस से होगी, एक्सक्रीशन भी बॉडी सरफेस से होगी। सर्कुलेशन में गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, इसका डबल रोल है, मटीरियल को सर्कुलेट भी करती है, डाइजेशन भी करती है। नर्वस सिस्टम इसमें प्रिमिटिव टाइप फर्स्ट ऑफ ऑल नर्वस सिस्टम इसमें अपीयर हुआ और इसमें नेटवर्क है न्यूरॉन सेल का और इसमें प्रोसेसेस निकलती हैं। सेंसरी सेल इसमें होते हैं, ठीक है। मेडूसा जो है उसमें सेंस ऑर्गन भी होते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों होती है। एसेक्सुअल पॉलिप में होती है बडिंग से, सेक्सुअल मेडूसा में होती है और मेडूसा में गोनाड बन जाते हैं टेस्टिस एंड ओवरी। और इसके गोनाड की कोई डक्ट नहीं होती, गोनोडक्ट नहीं होती और इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों हो सकती है। डेवलपमेंट बात करें इसका जो जाइगोट है वो पूरा डिवाइड करता है, इसको होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। फ्री स्विमिंग लार्वा इसमें बनता है, इसको प्लैनुला कहते हैं। ये इसका पर्टिकुलर लार्वा है प्लैनुला और ये डिस्पर्स होकर नई जगह पे आके ग्रो करता है। और आगे जो मैं आपको फाइलम करवा रहा हूँ इसमें हर का अपना अपना लार्वा है और लार्वा से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, ये भी याद कर लेना है। नेचुरल हिस्ट्री में मोस्टली ये मरीन होते हैं बट हाइड्रा जो है फ्रेश वाटर है। आल कार्निवोरस हैं यानी एनिमल्स को खा सकते हैं और इसमें डिवीजन ऑफ लेबर है, पॉलीमॉर्फिज्म है, 10,000 इसकी स्पीसीज हैं। अब इसमें यूनिक फीचर क्या है, इसमें है टिश्यू लेवल स्टिंगिंग सेल, एपिथीलियो मस्कुलर सेल, इनकम्प्लीट गैस्ट्रिक सिस्टम, सिंपल नर्वस सिस्टम। गोनाड इसमें फर्स्ट टाइम आते हैं और इसमें गोनोडक्ट नहीं होती। एडवांसमेंट इसमें टिश्यू लेवल है, डाइजेस्टिव कैविटी है और नर्वस सिस्टम बना हुआ है। और आगे इसकी क्लासिफिकेशन देखिए, तीन क्लासेस हैं इसकी, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ। हाइड्रो में हाइड्रा, हाइड्रोइड्स, हाइड्रा वगैरह आते हैं। ओविलिया आता है जिसको सीफर कहते हैं। फाइजेलिया आता है, प्रोटीयूज मैन ऑफ वार, ये भी आ जाता है क्वेश्चन, प्रोटीयूज मैन ऑफ वार क्या आता है, यानी इसके कॉमन नाम भी आ जाते हैं। और स्काइफोजोआ जेलीफिश है, स्काइफोजोआ में जेलीफिश आती हैं। एंथोजोमा सी एनिमोन एंड कोरल रीफ आते हैं। कोरल रीफ जो हैं बेसिकली सी के फ्लोर का फ्लोरिंग करते हैं, उसका बेड बनाते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी ये बनाने में हेल्प करते हैं। और यहाँ इसके डायग्राम देख सकते हो जी आप, फ्री स्विमिंग जो वाटर पॉलिप हाइड्रा है ये कूल क्लीन वाटर में पॉन्ड वगैरह में मिलता है। और इसमें देख सकते हो ये सबस्टेटम के साथ अटैच है, गोनाड्स के बाहर है, टेस्टिस ओवरी ऊपर इसके टेंटाकल्स हैं, ज़्यादातर इसमें जो पॉलिप होता है, ठीक है। और फैजीलिया प्रोटीयूड ऑफ मैन वॉर, ये भी देख सकते हो, ये एक सिपाही की टोपी होती है जो वाटर के ऊपर लड़ते हैं, प्रोटीयूज मैन ऑफ वॉर, उसी तरह से ये नज़र आता है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा है। तो इसमें अलग अलग तरह के जो जॉइड होते हैं, गैस्ट्रोजॉइड हो गया, डिक्टैलोजॉइड हो गया, ठीक है जी, गोनोफोर मेल एंड फीमेल, जिलेटिनस जॉइड, ये अलग अलग इनके जॉइंट हैं और अलग अलग इनका काम है। कोई रिप्रोडक्शन में काम कर रहा है, कोई डिफेंस में काम कर रहा है, कोई डाइजेशन में काम कर रहा है। स्काइफोजोआ में जेलीफिशेज आएंगे, ओरिलिया जेलीफिश है, राजोस्टोमा पिलीमा ये स्काइफोजोआ में आते हैं। ये देख सकते हैं ओरिलिया जेलीफिश है, प्लेनुला लार्वा होता है इसका। और एंथोजोआ जो है इसमें सी एनिमोन एंड कोरल आते हैं। सी एनिमोन जो है इसको हम एडमिसिया कहते हैं और कोरल स्टार एस्ट्रीशिया, पेंट्यूला, सी पेन, गोरगोनिया, सी फैन आ जाता है, ठीक है। ब्रेन कोरल है, मिंडेरिना। और ये जो आपका है सिम्बायसिस शो करता है जो सी एनिमोन है, हर्मिट क्रैब इसके साथ रहता है लाइफ टाइम के लिए, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पेंट्यूला देख सकते हो सी पेन की तरह है ये, और इसमें आपको नज़र आ जाएंगे इसके जॉइंट्स, और ये फैन की तरह पंखे की तरह है गर्गोनिया, और नीचे जो ब्रेन कलर दिया हुआ है। तो मुझे उम्मीद आपको इससे काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी डायग्रामेटिकली देख के, और ये नोट्स आपको सेंड कर दूंगा, आप फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग इनको पढ़ भी सकते हो, ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। और ये था सारा रिगार्डिंग द सीलेंट्रेटा। उसके बाद एक छोटा सा फाइलम यहाँ बचता है, डैट इज़ द टीनोफोरा, ये भी हम साथ में करेंगे। टीनोफोरा जो है इसको कॉमन नाम क्या है इसका, स्कॉम जैली और सी वालनट, वालनट अखरोट होते हैं जो अखरोट की तरह नज़र आते हैं।
और कई साइंटिस्ट जो ऑथर हैं इसको क्निडेरिया का सब फाइलम मानते हैं, बट अब इसको इंडिपेंडेंटली एक नया फाइलम मान लिया गया है। बॉडी फॉर्म इसकी वेरिएबल है, राउंड, ओवल, फ्लैटेंड। पॉलीमॉर्फिज्म इसमें है। सिमेट्री इसकी जो है वाई रेडियल, रेडियल, बाइलेटरल है। जर्म लेयर इसमें दो हैं, डिप्लोब्लास्टिक। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इसमें हेड नहीं है, कोई इसमें अपेंडिजेस नहीं है। बॉडी वाल की इसकी अपनी दो लेयर है, एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। मीजोगिला है, उसमें कोलन काइमा सेल होते हैं, जो स्पेशल सेल है। स्पेशल इसमें एडिजिव सेल होते हैं जो चिपकते हैं प्रे के साथ, उसको कोलोब्लास्ट कहते हैं। ये पेपर में आ जाता है कोलोब्लास्ट कहाँ मिलते हैं, कोम्ब प्लेट किस में मिलती हैं। और ट्रू लेयर ऑफ स्मूथ मसल, स्मूथ मसल की एक ट्रू लेयर फर्स्ट टाइम इसमें अपीयर हुई है। इसमें कोई सिलोम नहीं है, ए सिलोमेट है, स्केलेटन नहीं है, ठीक है जी। डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट टाइम इसमें कंप्लीट है, ये एक मेन पॉइंट इसका याद करना है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिएक्शन है। इसमें माउथ है, स्टोम मीडियम, इंटेस्टाइन, स्टमक आ जाता है, सिस्टम ऑफ कनाल आ जाते हैं, दो एनल पोर हैं, यानी इसके जो कनाल्स हैं, जो इसकी इंटेस्टाइन लाइक स्ट्रक्चर हैं, दो पोर बना देती हैं एंड में, तो इससे जो फीकल मैटर है बाहर निकलता है। मुँह के रास्ते एनल पोर से भी निकल जाता है और माउथ से भी निकलता है। फर्स्ट टाइम इसके मस्कुलेचर इसमें अपीयर हुआ, मस्कुलर टिश्यू। बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करेंगे, बॉडी से ही एक्सक्रीशन करेंगे, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी से सर्कुलेशन होगी। इसमें नर्वस सिस्टम जो है इसका सब एपिडर्मल प्रोसेसेस होती हैं इसमें, और एट स्ट्रैंड इसके बनते हैं कॉम्ब प्लेट के नीचे, उसको हम स्टैटोसिस्ट कहते हैं। ओवरऑल सेंस ऑर्गन है ये, और बैलेंस का काम करते हैं। स्टैटोसिस्ट फर्स्ट टाइम इसमें अपीयर हुए हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सो रिप्रोडक्शन है, और ए सेक्सो रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट है। डेवलपमेंट ये एग ले करता है, और इसके एग में योक होता है, योकी एग होता है, जेलो जोक, लेसिथल एग है। बेसिकली इसका योक जो है सेंटर में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसको सेंट्रोलेसिथल एग कहते हैं। डिवीज़न इसमें भी जायगोट की होलोप्लास्टिक है, और इसमें लार्वा होता है सीडीपिड लार्वा, सीडीपिड ये इसका लार्वा पर्टिकुलर है, जैसे प्लानुला लार्वा सिलेंट्रेटा का इसका सीडीपिड है। लोकोमोशन इसकी जो है सिलली लोकोमोशन, जो पूरी लाइफ में रहती है, कॉम्ब प्लेट से लोकोमोशन करता है। नेचुरल हिस्ट्री में ये बेसिकली मरीन है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, कहीं में कलर्ड भी होते हैं, सॉलिटरी रहते हैं, पैलेजिक वाटर में होते हैं, और इसमें काफ़ी मार्केट पावर ऑफ रीजनरेशन है। इसमें अगर कोई ऑर्गन बॉडी पार्ट डैमेज हो जाता है तो दोबारा ग्रो कर जाता है। ल्यूमिनिसेंस है इसमें, फोटोसाइट होते हैं जिससे वे समुंदर में रात के अंधेरे में चमकते हैं, क्योंकि ये नीचे रहते हैं काफ़ी डीप में, तो वहाँ सनलाइट पहुँचती नहीं है, इसलिए ये प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए या अपने डिफेंस के लिए रात को चमकते हैं फोटोसाइट से, इसको ल्यूमिनिसेंस कहते हैं। ये फर्स्ट टाइम इसमें ही अपीयर हुआ है, और ये इतना बड़ा फाइलम नहीं है, इसकी अभी तक 50 स्पीसीज ही आइडेंटिफाई हुई हैं। अब इसमें खास क्या है, कॉम्ब प्लेट ये सिर्फ इसमें मिलेंगी, कोलोब्लास्ट एडिजिव सेल इसमें मिलेंगे, ये प्रे को कैप्चर करते हैं, ठीक है। एनल पोर इसमें है, दो एनल पोर हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक इसमें बन गया, डिटर्मिनेंट क्लीवेज बन गई इसमें, और एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी सेल बन गए। ट्रिप्रोब्लास्टिक ओरिजन बन गया इसका टिश्यू का, यानी इसकी अलग अलग तीन लेयर बन गई है, ठीक है। बेसिकली इसमें दो ही जर्म लेयर होती हैं। लास्ट में इसकी क्लासिफिकेशन देखिए जी, क्लासिफिकेशन में दो क्लासिफिकेशन है इसकी, दो क्लासेस हैं, टेंटिकुलेटा, न्यूडा। टेंटिकुलेटा में इसको माइक्रोफ्रिंजिया कहते हैं, न्यूडा को मैक्रोफ्रिंजिया कहते हैं, और इसमें हॉर्मीफोरा, प्लीरोब्रैंकी आता है टेंटिकुलेटा में, और ब्योरे आता है आपका न्यूडा में। और लास्ट इसका डायग्राम देख सकते हो, ये प्लीरोब्रैंकिया टेंटिकुलेटा का है। इसके अलग अलग स्ट्रक्चर देखिए जी, इसमें स्टैटोसिस्ट है, सेंस करेगा एनल कनाल के साथ, बैलेंस करेगा ये, और नीचे माउथ है, पूरा एलिमेंट्री कनाल है, फ्रेंजियल कनाल है, टेंटकल्स हैं इसके, स्टमक बना हुआ है, मेरिडोनियल कनाल बनी हुई है, अवोरल कनाल, काफ़ी ज़्यादा कनाल इसमें बनी हुई है। ये काफ़ी हाईली डिवेलप है, और इसमें कॉम्ब प्लेट हैं, ये यहाँ जो नज़र आ रही हैं ऐसे डार्क कलर, ये कॉम्ब प्लेट हैं, इससे ये सिलरी लोकोमोशन इसमें होती है। सो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको ये कंसाइज वे में जो मैंने नोट्स आपको समझाए हैं समझ आ गए होंगे। और कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट ज़रूर करिएगा, और
इसके बाद आपको नेक्स्ट एस्कलमेंथिस एंड प्लैथीहेलमेंथिस फ्लैट बोम एंड राउंड बोम के ऊपर हम वीडियो डाल के देंगे, और जिन्होंने प्लान लिया है हमारा उनको नोट्स मिल जाएंगे, और इन नोट्स को पढ़िए। काफ़ी मैंने कंसाइज वे में बनाए हैं, काफ़ी टिपिकल पॉइंट्स लिखे हैं, और इतने पॉइंट आप याद कर लोगे तो आपको ये सफिशेंट है। रिमार्केबल फीचर्स लिखे हैं। और कैसा वीडियो लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जल्दी ही हम वाइट बोर्ड के ऊपर भी वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे, वो सेटअप जल्दी ही तैयार हो जाएगा। तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, और कोई भी आपके पास वैल्यूएबल सजेशन है फॉर आवर इम्प्रूवमेंट ज़रूर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक प्लान नहीं लिया वो ले सकते हैं, मास्टर कैडर की प्रेपरेशन हम करवा रहे हैं, बॉटनी जल्दी और केमिस्ट्री भी, केमिस्ट्री का बैच भी जल्दी शुरू हो जाएगा। और थैंक यू वेरी मच जी, एंड गॉड ब्लेस यू।